भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने चलाया ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान। आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने गांव खायरा से किया ग्राम परिक्रमा का शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं ग्राम परिक्रमा यात्रा के कार्यक्रम संयोजक गोविंद शर्मा के आवास दीनदयाल धाम खायरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा कराया कार्यक्रम का शुभारंभ। ग्राम परिक्रमा यात्रा के शुभारंभ से पहले मंच पर मौजूद भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व उपस्थित जनता ने मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्राम परिक्रमा का जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में आए सभी मुख्य अतिथियों का कार्यक्रम आयोजक और आयोजन के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम की तस्वीर भेंट कर व माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। किसान मोर्चा उपाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि हम पूरे तरीके से जनता की सेवा में लगे हुए हैं और अपनी पार्टी द्वारा सभी देशवासियों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन 12 फरवरी से 12 मार्च तक प्रस्तावित किया है, जिसमें चौथा विधानसभा में ग्राम खायरा से यात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा किया गया। मंत्री जी ने गोविंद शर्मा के गांव परिक्रमा यात्रा के कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि मथुरा जिले में भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय गांव खायरा को जाता है। वहीं पर भारतीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष चरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे, सुधीर चौधरी, किसान मोर्चा के सुरेश तरकर, भूरी सिंह, किसान मोर्चा पार्टी संयोजक नरेंद्र रावत, निरुकांत पांडे, परशुराम शर्मा, राजू बादल, मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, परशुराम शर्मा, सुरेश पांडे आदि लोगों ने सहभागिता की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अमृतमयी कार्यकाल में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में एवं पूरे देश में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी की रीति और नीतियों को प्रत्येक आम जनता तक पहुँचाया जाएगा। से आज बात कर रहे हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? किसान मोर्चा का जो हमारी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, उनका ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला है। ये खायरा गांव मोगाम है, जहाँ श्रद्धेय अटल जी ने सबसे पहले मथुरा जिले में पूरी ब्रज भूमि में यह शाखा प्रारंभ की थी। आज किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है। आदरणीय मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी, जिस समय 2017 में हमारी सरकार बनी, किसानों के कर्जे माफी से ही हमारी कार्रवाई प्रारंभ हुई। आज किसानों को 2,36,000 करोड़ रुपया गन्ने का किसानों के खाते में हमने 6.5 साल में दिया है। आज MSP के जरिए हमारी मक्का, ज्वार, बाजरा सारी खरीद है, गेहूँ, धान सारी खरीद है MSP के द्वारा। किसान गांव में रहता है, 62% आबादी किसानों की इस समय, इसलिए चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे इन सारी सुविधाओं से, चाहे पेयजल हो, इन सारी सुविधाओं से गांव को सुसज्जित करना, और गांव भी पूरी तरह से किसान की वजह से हमारे देश का विकास हो रहा है। लगातार एक महत्वपूर्ण भूमिका किसान की है, इसलिए किसानों के उत्थान के लिए आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने महत्वपूर्ण जो कदम उठाए हैं, उनका प्रचार प्रसार के लिए ये ग्राम यात्रा शुरू की। शुगर मिल को लेकर कब तक लोगों का जो इंतजार है, लोकसभा चुनाव के बाद लोग देख पाएंगे शुगर मिल का उद्घाटन या पहले? शुगर मिल 2025 में चलेगी, तो 2025 में हम निश्चित रूप से ट्रायल कर देंगे। एक आवारा सांडों को लेकर, और मेरा एक सरकार की बहती योजना थी आवारा सांडों को लेकर, किसान जितना खुशहाल है उतना ही उससे परेशान होता है। ऐसी एक कार्यक्रिया कोसी कला में एक अध्यापक की मौत उस योजना से हुई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युगों में कभी राजकोष से एक रुपया भी गौ संरक्षण के लिए नहीं किया, खर्च नहीं हुआ। आदरणीय योगी जी ने आज 14.5 लाख गाय हमारी गौशालाओं में, हजारों करोड़ रुपया आज गौशालाओं के लिए खर्च किया जा रहा है। मैं मानता हूं कोई घटना ऐसी हो सकती है, हुई होगी जरूर, लेकिन इसके लिए मैं अकेले सरकार कोई प्रबंध नहीं कर सकती, जनता का भी सहयोग आवश्यक है, जनता का सहयोग हम दे रहे हैं। और मथुरा की बराबर गाय और गौशाला तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं है ही नहीं,
मथुरा का उदाहरण तो पूरे देश में दिया जाता है। हम पूरी तरह से यदि कहीं भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल हम प्रबंध करते हैं, और यदि इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो सब तो सरकार की रामलला की लोगों की आस पूरी हो गई। तो क्या कृष्ण मंदिर का भी लोकसभा के बाद लोग माने कि कहीं कृष्ण मंदिर को लेकर सरकार की योजना त्रेता के बाद ही तो द्वापर आता है, त्रेता आ गया अब द्वापर आता है। जो उद्घाटन खैरा से हुआ है उसके अलावा कुछ क्या कहना चाहेंगे आप, कार्यक्रम के संयोजक भी है? मोदी जी ने ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान जो चलाया है उसके अंतर्गत आज हम सब लोग गांव खैरा में, ये मेरा गांव है, यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चरण सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और भाई नरदेव चौधरी, किसान मोर्चा के जिले के समस्त पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को मोदी जी की रीति नीतियों के बारे में बताया और जो अभियान हमें दिया गया है ग्राम परिक्रमा यात्रा उसका उद्घाटन आज हम खैरा गांव से कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम इस बार मोदी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय श्री राम। 400 तो क्या उम्मीद जो है 400 के पार की जो आंकड़ा है, क्या ऐसा लग रहा है आप गांव-गांव घूम रहे हैं तो क्या ऐसा लग पा रहा है आपको? एक ही नारा चला हुआ है, आपकी बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार, और हम उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़े हुए हैं और उसी उम्मीद पे हम कार्य कर रहे हैं।